नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्निज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। भागलपुर में लुटेरों का गिरोह सक्रिय, पुलिस के भेष में घटना को दे रहे हैं अंजाम। दिन दहाड़े कचहरी चौक के पास एक दंपत्ति को बड़ा बाबू बनकर लूटा। भागलपुर शहर के सड़कों पर अगर आप चल रहे हैं तो पूरी तरह हो जाएं सावधान, क्योंकि स्मार्ट सिटी की सड़कें तो उबड़ खाबड़ गड्ढे में हैं ही, कीचड़ और कचड़े से भी भरा पड़ा है, उसे भी आपको देखकर चलना है। साथ ही लुटेरों का गिरोह भी इस कदर यहां हो गए हैं सक्रिय कि रक्षक के भेष धारण कर रहे हैं भक्षक का काम। जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर की समाहरणालय गेट के पास की, जहां कभी भी नकली पुलिस बनकर आपको कोई लूट सकता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह घटना समाहरणालय गेट से सटे रोड पर आज दिन दहाड़े घटित हुई है, जिसमें झारखंड के दुमका से अपने पति का इलाज कराने पहुंची अंजू बीवी के पति दिलवर हुसैन से पुलिस का बड़ा बाबू बनकर एक युवक ने 5,000 रुपये ठग कर फरार हो गया। महिला अपने पति को डॉक्टर से दिखाकर समाहरणालय गेट के पास ऑटो से उतरी और मनाली चौक की ओर जा रही थी। इसी क्रम में ठग युवक ने दोनों को रोका और खुद को बड़ा बाबू बताकर किसी को झूठा फोन कर कहने लगा कि यहाँ पे दो लोगों को पकड़े हैं, इन दोनों को जेल भेजना है। वहीं ठग ने पत्नी को पानी लाने के लिए भेज दिया और फिर दिलवर हुसैन के पॉकेट से 5,000 रुपया निकाल कर वह फरार हो गया। वहीं मीडिया कर्मियों को जब इनकी सूचना मिली तब ठग बबुआ का पाठक का तस्वीर उसे दिखाया गया, पीड़िता ने उसकी पहचान कर ली। वहीं मीडिया कर्मियों की पहल पर जोकसर पुलिस पीड़िता और उनके पति को थाने ले गई और मामले को दर्ज कर ठग की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस घटना से पहले भी बबुआ पाठक नाम का अपराधी फर्जी प्रेस कार्ड बनाकर पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है और इस तरह ठगी के कई कारनामे उसके द्वारा किए गए हैं। वहीं अब देखने की बात यह है कि पुलिस के नाम से ठगी करने वाला ठग को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है और उसे क्या सजा मिलती है। हम करते हैं गवाली के चल जाते हैं, वहाँ जैसे हम गाछ के पास उतरे से तो बोला का, ए, ए, सुनो सुनो, तुमको पुलिस आवाज दे रहा है, तुम सुनाई नहीं दे रहा है। बोलो हम लोग सुन क्या किए हैं, जब पुलिस हम लोग को आवाज देगा, हम लोग डॉक्टर पास आए हैं, नहीं हाँ सबको को फाइन कर रहा है 8,000 रुपया, तुम फाइन दोगे क्या, नहीं दोगे, तुमको जेल करेंगे। हम बोले जैसा मर्जी है, मेरा पास 2,000 रुपया है, हम 3,000 का नाम 5,000 का नहीं लिए थे बाबू, 2,000 का नाम लेते हैं। बोले 2,000 रुपया है, हम डॉक्टर दिखाएंगे, हम घर जाएंगे। तो बोला जाओ तुम, 200 रुपया हमको दिया, बोला वहाँ से ठंडा पानी लेके आओ। इनके पास पैसा था कितना, 5,000 रुपया था बाबू, बस 5,000 रुपया इसके पास ले लिया और इसको बोला जमा रखो। क्या बनकर पुलिस बनकर था, बड़ा बाबू बनकर बोला, बड़ा बाबू अच्छा, हम बड़ा बाबू हैं, फोन कर रहे हैं, हेलो बड़ा बाबू, हम दो ठो पकड़े हैं, आप गाड़ी भेजिए, चलान करेंगे। हम बोले सो बड़ा बाबू क्यों पकड़ेगा हम लोग को जी, हम तो दुमका से बाहर ही आदमी। क्या नाम है आपका? अंजू बीबी। कहाँ घर है दुमका में? दुमका में हमला घर हुआ लक्की कुंडी हवाई अड्डा का रोड। कहाँ इलाज करवा रहे हैं? गौरव कुमार, 6 महीने से हम इलाज करा रहे हैं।